27 न्यूज के इस भाग के प्रायोजक हैं साहिल होंडा। दोपहिया वाहन खरीदने के लिए पेमेंट करें पेटीएम से और पाए 1500 रुपए तक का कैशबैक ऑफर। ओ सर जी, ये तो एक्टिवा 5G। तुझे 5G दिख रहा है, मुझे तो अपना फ्यूचर दिख रहा है। पापा, हेलमेट। गुड मॉर्निंग सर। कम टू क्लासरूम, फ्यूचर दिखाता हूँ। आ गया है नया एक्टिवा 5G। क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, बातें बढ़ेंगी और प्यार तो बढ़ेगा ही। तो आप फ्यूचर के बारे में कुछ कह रहे हो? वो फ्यूचर कुमार, वो यस बैक। सॉरी, नया एक्टिवा 5G, लव इज ग्रोइंग। सागर श्री, एक सौगात। सागर संभाग का पहला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब आपके शहर में। 150 बेड, 16 स्लाइड सिटी स्कैन, हाई टेक ट्रॉमा सेंटर, 50 बेड का एडवांस्ड ICU एवं 5 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स के साथ हमारी टीम अब तैयार है। हार्ट अटैक, एक्सीडेंट, सर्जरी या किसी भी अन्य गंभीर रोग के लिए अब आपको दूर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब अत्याधुनिक उपकरणों, उच्चतम सुविधाएं एवं अनुभवी डॉक्टरों की टीम सागर में ही आपको कम कीमत में सर्वोच्च सेवा देने के लिए तत्पर है। हमारा उद्देश्य आपका स्वास्थ्य। सागर जिले के देवरी ब्लॉक के ग्राम सुना के पास बने नाले में एक मगरमच्छ निकल आने से गांव में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि सुना गांव के पास बनी वन चौकी से करीब 200 मीटर के दायरे में स्थित नाले में ग्रामीणों ने सुबह के समय मगरमच्छ देखा और उसके बाद आग की तरह यह खबर पूरे गांव और देवरी ब्लॉक में फैल गई। यहां तक कि लोगों ने अपने घरों के दरवाजे लगा लिए। मगरमच्छ देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह अच्छे खासे इंसान को निशाना बना सकता था। वन विभाग की टीम ने करीब 6 फीट लंबे इस मगरमच्छ को पकड़ने में काफी पसीना बहाया, तब जाकर यह फंदे में आया। हरानी जितनी है तो सब बनाएंगे। वो हमारे यहाँ गांव के बाहर नाला है, हम लोग सुबह सवेरे वहाँ घूमने गए तो वहाँ पर पड़ा हुआ था, जिसको हम लोगों ने देखा और फिर क्या हुआ? फिर वहाँ से आए चौकी को, मतलब सिपाही को जानकारी दी और उसने वहाँ पर भीड़ इकट्ठी, मतलब हम लोग पहुँचे ग्राम की वासी और भीड़ इकट्ठी हुई, उसके द्वारा वन विभाग वालों को बुलाया गया और उसको पकड़ लिया गया। हम लोग जो है सुबह सुबह मतलब जंगल घूमने गए थे तो वहाँ पे हम लोगों ने अचानक से उसको देखा। टाइम था लगभग 7 बजे, तो जैसे ही हम लोगों ने उसको देखा तो हम लोगों ने वहाँ चौकी में आके बीट प्रभारी जो हैं हमारे यहाँ मिश्रा जी हैं, उनको सूचना दी। तो उसके बाद जो है बनमले ने आकर उसको गांव वालों की मदद से पकड़वाया।
जिस नाले में यह मगरमच्छ देखा गया वह नाला रामघाट नदी से मिलता है। गनीमत रही कि वन विभाग की कुशल टीम ने घेराबंदी करके इसे पकड़ लिया, वरना इस मगरमच्छ को पानी में गायब होकर भाग निकलने में देर नहीं लगती। फिलहाल मगरमच्छ के पकड़े जाने से गांववासियों ने राहत की सांस ली। सागर संभाग का उभरता हुआ वेब न्यूज चैनल C7 न्यूज। जी हाँ, C7 न्यूज पल पल घटित होने वाली खबरें, हर क्षेत्र से जुड़ी खबरें हम दिखाते हैं बेबाकी के साथ। हर खबर, तमाम खबरों के लिए जुड़िए C7 न्यूज के साथ। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। जी हाँ, तभी तो पहुँचेगी हर खबर आप तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 9406548786 और 8989444786।